नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत। साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामलों में अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्वता बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य से मामले के तथ्यों के मामले में संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सबूत से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। विद्योत्तमा जी आपको सबूत से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। अगर आपका सबूत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा, जो कि है 01206127937। इसके अलावा आप 01206127938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्योत्तमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एविडेंस या सबूत होता क्या है। एविडेंस शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन है उसका, एविडेरा। इसका मतलब ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी या एबिलिटी टू प्रूव कह सकते हैं है। तो एविडेंस को अगर हम समझे तो इसका बेसिक मतलब यही है कि एक प्लेन ऑब्वियस या वेल नोन फैक्ट हो जो कि प्रूवेबल हो कोर्ट के अंदर। इसमें प्रिंसिपल फैक्ट जो है वो प्रूवन होता है और जो एविडेंशियरी फैक्ट है उसको एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। उसको एक फैक्ट जो है उसको दूसरे फैक्ट से कॉरोबरेट करके एस्टैब्लिश किया जाता है कोर्ट में। दैट मीन्स ये आईज एंड ईयर्स ऑफ कोर्ट है। जी जी। तो डॉक्यूमेंट्री जो होता है और या ओरल होता है एविडेंस, उसमें क्या फर्क होता है, थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे। दस्तावेजी सबूतों की वैधता कैसे साबित की जा सकती है। सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कही गई है। ओरल एविडेंस को पहले अगर हम देखें तो वो एविडेंस होते हैं जिनमें जो कोर्ट में विटनेसेस स्टेटमेंट्स देते हैं जिनके ऊपर बेस होता है इन्वेस्टिगेशन, और उनको ओरल एविडेंस बोलने के बाद आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या है, क्योंकि ओरल एविडेंसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जिन भी तथ्य की जो कि या फैक्ट या डॉक्यूमेंट जो कि जेन्युइन माने जाएंगे, चाहे वो ईमेल्स हो, स्क्रीनशॉट्स हो, टेक्स्ट हो जैसे व्हाट्सएप पे होते हैं या अब जी जी, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की जरूरत होती है और उसको वैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। जी जी। तो जो गवाही की अगर बात करें तो गवाहों के ऊपर भी निर्भर काफी केसेस होते हैं, तो ऐसे में किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है। गवाही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो जैसे जो क्राइम होता है, इसीलिए अभी जैसे मैं कह रही थी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो यहाँ पर इसको कॉरोबरेटिक ऐसे ही करेंगे कि गवाही हुई है, और उसमें जो प्रोबेटिव वैल्यू होता है एविडेंस का या जो प्रूफ ऑफ कंटेंट होता है उस वो डॉक्यूमेंट से प्रूव होता है। गवाही तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए या एक प्रोसेस में लाने के लिए होता है,
और वहाँ पे गवाह जो होता है उसकी क्वालिटी को देखा जाता है, क्वांटिटी को नहीं। कई बार होता है कि एक ही गवाह है, बट अगर वो काफी है, हमारे सेक्शन 134 में इस बारे में कहा भी गया है कि टेस्टिमनी के लिए एक गवाह भी काफी है, तो यहाँ उस एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वैल्यूएबल माना गया है और उसके बाद टेस्टिमनी की जाती है। जी जी, तो गवाह की आपने यहाँ पे बात करी, तो गवाही कौन दे सकता है ये भी जानना चाहेंगे, और क्या गवाहों की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है क्या? जो भी क्राइम सीन पर या जिस मामले की जांच हो रही है वहां पर जो भी व्यक्ति उपस्थित होता है, जिसको उस मामले के की जानकारी हो या चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में पता हो, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो या उनके पास ऐसे कोई जानकारी हो जो जो मामला उस पर रोशनी डाल सकता है, तो वो गवाह बन सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ विटनेसेस जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ विटनेसेस, एक विटनेस भी काफी हो सकता है एक केस में, और वैसे कितने भी विटनेसेस हो सकते हैं। सेक्शन 134 ऑफ एविडेंस एक्ट इस मामले में बहुत क्लियर है कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल। वहीं गवाही जो होती है किस क्रम में दी जाती है, क्रम क्या होता है गवाही का? सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो इसको थ्री स्टेप्स में डिवाइड करता है। एग्जामिनेशन इन चीफ इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, उनको एडवर्स पार्टी को जो ऑपोजिट पार्टी होती है उनको लगता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और लास्टली री एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि अगर ऑपोजिट पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट एंड वी नीड री एग्जामिनेशन, तो वहाँ री एग्जामिनेशन होता है। दैट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस। जी जी, थ्री स्टेप प्रोसेस ये होता है। जी, तो क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर भी गवाही दी जा सकती है? जी बिल्कुल दी जा सकती है। सेक्शन 144 इस बारे में बात करता है कि जो कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ भी जो कंटेंट डॉक्यूमेंट में वो अगर उसका कोई भी रिलेटेड या कॉरोबरेटिव डॉक्यूमेंट है तो वो भी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। जी, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से। एविडेंसेस आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो पहले सामने आते हैं, जिसमें जो लॉ रिक्वायर करता है, जिसके बाद ही आपकी इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस का रोल आता है। तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, लाइक फोटोकॉपी, रेप्लिका एटसेट्रा। जी जी, तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में भी हम सुनते हैं, या मौत के वक्त दिया जाने वाला बयान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है, और ये जो बयान होता है सबूत के तौर पर कितना वैध होता है, और कब इस पर सवाल जो है खड़े किए जा सकते हैं ये भी जानना चाहेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन, एज द वर्ड सजेस्ट, डाइंग मीन्स कोई भी व्यक्ति जब अपनी अंतिम स्थिति में होता है, और सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि डेथ इज अबाउट टू हैपन, वो मरने वाला है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इज द स्टेटमेंट, वो दे के जा सकता है। जी, जी. जो भी किसी अगर कोई मामला चल रहा है तो कि क्या परिस्थितियां रही, और उसका जो अगर डेथ नेचुरल तरीके से नहीं होता है तो ये क्वेश्चनेबल है, अदरवाइज वो क्वेश्चनेबल नहीं। अगर वो इनफैक्ट सर्वाइव भी कर जाता है डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद भी, अगर उसकी जान बच जाती है, तो वो जो उसका डिक्लेरेशन है वो कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, वो वैलिड नहीं रहता। जी जी, चलिए ठीक है। विद्युतमा जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सारा मुंबई से। सारा अपना सवाल पूछ सकती है, क्या जानना चाहेंगी? सारा आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हेलो। जी कहिए सारा। हाँ, मेरी मम्मी और पापा दोनों एक्सपायर हो गए, अभी 6 महीने हुए, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के हम सबकी शादी हो चुकी है। जी जी, तो मेरे भाई, हम सब शादी हो गई है, तो मैं मिडिल क्लास की हूँ, तो कुछ भी उनको मदद के लिए कह रहे हैं तो बोलते हैं मम्मी हमारे नाम से सब करके गई है और पापा। जी,
मदद मांगती हूँ तो मुझे निकाल देते हैं। तीन भाई है, तीनों मुझे आने नहीं देते हैं। जी जी बिल्कुल, तो आपका हक है, आप वो लेना चाहती हैं। तो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ तो सवाल नहीं है विद्योत्तमा जी, लेकिन फिर भी क्या सलाह देना चाहेंगी आप? हक है उनका, तो मैं उनको बोलती हूँ कि उनका विल क्या कहता है पहले तो वो देखें, उसके बाद और विल अगर है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं है तो वैसे भी इनका राइट बनता है, अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, अपना राइट क्लेम आप कर सकती हैं। विद्योत्तमा जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत कितना प्रभावी या कानूनी तौर पर वैध रहता है? विद्योत्तमा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी विद्योत्तमा जी, लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी तकनीकी खराबी के चलते। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सबूत से जुड़ी कोई कानूनी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। सबूतों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, हमारी अधिवक्ता बनी हुई है लगातार, जो आपको बता रही है किस किस तरह के सबूत होते हैं और कौन कौन से सबूत होते हैं और कब मान्य होते हैं, कब उन्हें मान्य नहीं माना जाता है और किस तरह से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और वो कितने कारगर साबित होते हैं किसी भी केस को सुलझाने में। गवाही के बारे में भी हमने आपको बताया कि गवाही कौन दे सकता है और कितने तरह के गवाह होते हैं, और लगातार हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सबूत होते हैं जो बेहद अहम रोल अदा करते हैं कोई केस हो अगर उसे सुलझाने के लिए। तो सबूत से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर इससे जुड़ा है तो। और विद्योत्तमा झा जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त हमारे साथ। विद्योत्तमा जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत कितनी प्रभावी होती है सबूत के तौर पे और कानूनी तौर पर कितना वैध रहती है ये? सीसीटीवी फुटेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की तरह माना जाता है और एक मटेरियल एविडेंस है जी, और जो कंप्यूटर जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब हमारे कोर्ट में एडमिसिबल है ड्यूरिंग द ट्रायल। तो और इनका सिर्फ इतना होता है कि सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट जो है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता हो, उसके तहत ऐसा जैसा कि उसमें लिखा गया है कि प्रिंटेड ऑन पेपर हो, स्टोर्ड हो, रजिस्टर्ड हो, कॉपीड हो, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया क्रिएटेड बाय अ मशीन, इन सबको सेक्शन 65B मानता है। उसके बाद जो भी इनका जब भी इनको प्रोड्यूस किया जाता है तो इनको इसलिए भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट माना जाता है क्योंकि इस वीडियो के तहत ही एक सीरीज ऑफ इवेंट पता चलता है और उसके बाद पता चलता है कि क्या क्रिमिनल टैक्टिक्स शायद यूज किए गए थे या परपेट्रेटर जो है उसने कहाँ से एंट्री की, कहाँ से एग्जिट किया, किस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको या तो डिफॉर्म किया, दरवाजे को तोड़ा या जो भी कुछ सीरीज ऑफ एविडेंसेस वहां पे होते हैं या सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको एक तरह से चेन ऑफ इवेंट्स को देखते हुए वहां से ये भी देखा जाता है कि क्या प्रूफ अभी वहां पर अवेलेबल होंगे जहां पर इस क्राइम सीन है। तो सीसीटीवी सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो कि रिकॉर्ड होता है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी हेल्पफुल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको एडमिसिबल माना गया है कोर्ट में और सस्पेक्ट या जो विटनेसेस हैं उनके क्लेम्स को भी ये चेक करता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या डिटर्मिन करना है, इंसिडेंट्स किस तरह से हुए, तो ये सारा देखते हुए सीसीटीवी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गई है। जी जी भाई, FSL रिपोर्ट के बारे में भी हम सुनते हैं, वो क्या होती है और उसकी कितनी महत्वता है? FSL रिपोर्ट मीन फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट भी बहुत ही जैसे अभी सीसीटीवी के इम्पोर्टेंस की बात हुई थी इसका भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस है कि ये सोर्स है, बहुत सारी जानकारियां आती हैं कोर्ट के पास किसी भी मैटर से रिलेटेड जब और ये एक ओपिनियन जनरेट करता है कोर्ट में जजेस के डिसीजन मेकिंग के लिए जब जजमेंट देते हैं वो, तो और इतना ही नहीं इसका इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये फाइनल फेज ऑफ कन्विक्शन में ही आता है, इसको फिर डिनाई नहीं कर सकते कोर्ट में कि नहीं ये गलत भी हो सकता है ये नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा
तहकीकात करने के बाद ये फॉरेंसिक लैबोरेटरीज जो है एक रिपोर्ट बनाती है और उसको प्रोड्यूस करती है कोर्ट में। जी जी, तो क्या पुलिस द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए साक्ष्य स्वीकार्य होते हैं? सेक्शन 25 जो एविडेंस एक्ट का है इस बारे में बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने अगर दिए गए हैं तो उसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है, उसको इनएडमिसिबल माना जाता है कोर्ट्स में। और उसको क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि कई बार पुलिस जो है टॉर्चर करती है या एक्सट्रैक्ट करती है इंफॉर्मेशन या जो अक्यूज है उससे, और उसको उसके अगेंस्ट यूज करती है गलत तरीकों से, या ना भी गलत तरीकों से करे लेकिन उसका जो रेलेवेंस है या जो एडमिसिबिलिटी का जो आधार है उसको सेक्शन 25 डिनाई करता है, तो इसलिए उसको नहीं माना जाता है। बट सेक्शन 26 इसको आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई कस्टडी में है तो और मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो अपना कन्फेशन देता है तो उसको एडमिसिबल मानते हैं पूरी तरह से। जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसने अपना दिया है और कस्टडी में है तो उसके बयान को कन्फेशन को एडमिसिबल माना जाता है, इसलिए पूरी तरह से नहीं मना किया जा सकता है क्योंकि कस्टडी में तो पुलिस के वो है। जी जी, तो किन मामलों में अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की अनुमति दी जाती है? जहां पर कोई डेफिनेट प्रूफ की जरूरत ना हो, जनरल आइडिया चाहिए हो, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं विच लीड टू द कमीशन ऑफ क्राइम एंड वहां से एक हम डिराइव करते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स को कि इसके वजह से ये ऑफेंस हुआ होगा, तो वहां पे ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है जो अपने आप में एक तरह से प्रूफ की तरह काम करते हैं, वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको बोला जाता है, तो उसको देखते हुए उसको माना जाता है कि यहाँ पर इसको एक एडमिसिबिलिटी एक वैल्यूएबल एडमिसिबल डॉक्यूमेंट मानकर एक तरह से और कॉरोबोरेट किया जाता है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता। जैसे एक बोधराज वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर केस में कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच गिल्ट इज एस्टैब्लिश, जहाँ पर गिल्ट एस्टैब्लिश होता है जो इम्पेनिट्रेबल है। जी, उसके बाद एक अपने आप में कंक्लूसिव है, जैसा कि मैंने कहा कि पता चल जाता है देखकर कि इसकी वजह से ये हुआ होगा, तो एक लिंक एस्टैब्लिश होता हो ऑफेंस में और वहां पर सर्कमस्टेंसेस में, या स्कोप ना हो किसी हाइपोथेसिस के लिए। चलिए ठीक है, कॉलर विद्युतमा जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, बेंगलुरु से मुनीम जुड़ गए हमारे साथ। मुनीम, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या कहेंगे? लग रहा है फिलहाल संपर्क टूट गया है उनसे। विद्युतमा जी, अब अपनी बात पूरी कर सकती हैं। तो इसको देखते हुए कि कोई भी तरीके से जहां पर कि अपने आप में एक तरह से वो कॉरोबोरेट करता है हालात जो है, सर्कमस्टेंसेस जो है और क्राइम जो है दूसरे से रिलेट होते हैं। उसके अलावा सेक्शन 106 जो है उसमें कहा जाता है कि वो जो बर्डन है इनोसेंस का वो प्रूव करने के लिए उस व्यक्ति पर छोड़ा जाता है जो उसमें इन्वॉल्व है उसका इसलिए। और उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो वैल्यू है वो हमारे कोर्ट हमारे यहाँ बहुत उसको रिलायबल भी माना जाता है क्योंकि कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस वहां पर अपने आप ही आ जाते हैं। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विद्युतमा झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, सबूतों से जुड़ी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।